हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल टेक सॉल्यूशन। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रिक है और कंप्यूटर के लिए तो और भी अच्छा है, क्योंकि हम कभी सोचते रहते हैं कि किसी भी फोल्डर में कैसे लॉक लगाएं। कोई हमारा पर्सनल फोल्डर हो तो हम उसमें लॉक कैसे लगाएं, तो इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है नेट से, और सॉफ्टवेयर ज़्यादा MB का होता है और हमारा स्पेस भी खाता है डिस्क का। तो इसलिए आज मैं आपको एक नया ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप बिना किसी सॉफ्टवेयर के आप लॉक लगा सकते हैं फोल्डर में, और वो भी बिल्कुल फ्री है और बिल्कुल ही इजी है। बस आप थोड़ा सा देख के बिल्कुल समझ जाएंगे किस तरह से लगा सकते हैं इसे। तो मैं चलिए दिखाता हूँ आपको किस तरह से हम लॉक लगा सकते हैं फोल्डर में बिना किसी सॉफ्टवेयर के। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक कोड चाहिए होगा, तो ये कोड मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। तो ये कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप नोट पैड में मैंने लिख रखा है वो कोड। ये कोड बहुत ही बड़ा है, तो इसे आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही कॉपी करना होगा, कॉपी पेस्ट आप डायरेक्ट कर सकते हैं नोट पैड में। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि हमें सबसे पहले नोट पैड ओपन करना है। तो मैं आपके रन खोल रहा हूँ, रन खोलने के बाद यहाँ नोट पैड ओपन कर रहा हूँ मैं। अब आप देख सकते हैं नोट पैड ओपन हो चुका है, तो मैं वो कोड दोबारा से कॉपी पेस्ट यहाँ से कर लूंगा, कॉपी और यहाँ पेस्ट। अब मैं जो नया वाला नोट पैड था मैंने उसमें कॉपी पेस्ट कर लिया, पुराना वाला जो था उसे मैं बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि उसका कोई काम नहीं है अब, इसको मैंने बंद कर दिया, डोंट सेव। और ये नया वाला नोट पैड है, इसमें इसको मैं अब दिखा रहा हूँ किस तरह से हम इससे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कोड में आपको बता दूँ, इसमें पासवर्ड भी लिखा हुआ है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो पासवर्ड है वो है कूल हैक्स। ये अभी डिफॉल्ट पासवर्ड है, अगर हम बिना कुछ करे डायरेक्ट सेव करके हम फोल्डर चलाते तो ये पासवर्ड होता हमारा, पर अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहें तो इस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये कूल हैक्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, टेक सॉल्यूशन मैंने लिख दिया, याद देख सकते हैं मैंने टेक सॉल्यूशन लिख दिया, और अब इसका पासवर्ड टेक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब हमें अगला चीज ये करना है कि इसे सेव करना है इस नोट पैड फाइल को, तो इसे हम क्लोज वाले बटन पे क्लिक करेंगे और फिर सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कहाँ पे हमें सेव करना है। अब दो बात जो मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल ही बहुत ही जरूरी बात है, इसे ध्यान से देखें तो ज्यादा सही रहेगा। सबसे पहला है फाइल नेम, फाइल नेम आपको रखना है LOC के log.bat। लॉग के जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, अपने मन से कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे रख सकते हैं, पर .bat लगाना बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद जो हमारे नीचे सेव एज टाइप, इसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अभी सेलेक्टेड है, इसके जगह हमें ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर हम ऑल फाइल सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हमें .bat जो हम लगा रहे हैं वो भी लगाना हमारा कोई काम का नहीं रहेगा, वो भी फालतू जाएगा। तो इसलिए हमें ऑल फाइल्स भी ये दोनों करना हमें बहुत ही जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। तो ये मैंने कर दिया और सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सेव पे क्लिक कर दिया मैंने और सेव हो गया। अब मैं इस नोट पैड को बंद कर दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है। अब मैं वहां पे जाता हूँ जहां पे मैंने वो सेव किया है फाइल, एफ ड्राइव में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉग नाम का, जो मैंने लॉग नाम से रखा था वो सेव हो चुका है। तो अब सबसे पहले हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद ये पासवर्ड मांग रहा है सबसे पहले कि क्या हम पासवर्ड रखना चाहते हैं, तो टेक्स्ट सॉल्यूशन में रख दे रहा हूँ। टेक्स्ट सॉल्यूशन टाइप करने के बाद जो पासवर्ड था वो पासवर्ड टाइप करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नया फोल्डर बन चुका है। तो अब हम नए फोल्डर में कुछ भी कॉपी करेंगे, जो भी हमें इसमें प्रोटेक्ट करके अपना पर्सनल फाइल जो भी हमें इसमें रखना है वो हम कॉपी करेंगे इसमें। तो इसमें मैं कोई भी वीडियो, जैसे ये सारे वीडियोस मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके मैं न्यू उस फोल्डर में डाल देता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फोल्डर में मैंने डाल दिया है, और मैं फिर से बैक हो रहा हूँ। बैक होने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे कि लॉक पे हमने पहले डबल क्लिक किया था, तो दोबारा से हमें सेम वही चीज करना है, डबल क्लिक करना है। तो मैं अब डबल क्लिक हम करेंगे तो फोल्डर जो हमारा न्यू फोल्डर बना था वो गायब हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब डबल क्लिक करने के बाद पूछ रहा है कि लॉक करना है या नहीं, तो वाई करेंगे यस, और अब आप देख सकते हैं फोल्डर गायब हो गया। फोल्डर गायब होने के बाद अगर आप इसे शो करना चाहें, जैसे कि हम हमारे कंप्यूटर में ऑप्शन होता है कि फाइल को हम हिडन करके फिर शो कर सकते हैं, तो
इसे आप शो करेंगे तो ये शो नहीं होगा। ये जैसे कि आप देख सकते हैं मैं हिडन फाइल्स आइटम शो करवा रहा हूँ, ये शो नहीं हो रहा है, ये दूसरा कमांड है तो शो नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसे कोई ढूंढ भी नहीं सकता है आसानी से। तो अब हमारे ये फाइल लॉक हो चुका है फोल्डर और गायब भी हो चुका है। अगर हमें दोबारा से ये फोल्डर, अब हमें जैसे मैंने वो वीडियो कॉपी किया था, अब वीडियो मुझे चलाना है दोबारा से, तो हम फोल्डर ओपन करना चाहेंगे। ओपन करने के लिए हम कैसे करेंगे तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो हम दोबारा से लॉक पे डबल क्लिक करेंगे और अब ये पासवर्ड मांग रहा है कि क्या पासवर्ड था, तो मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ टेक सॉल्यूशन और एंटर। एंटर करते ही आप देख सकते हैं फोल्डर आ गया और यहाँ पे फोल्डर ओपन करने के बाद वीडियो है, यहाँ पे वीडियो है यहाँ पे। तो अभी अब मैंने वीडियो चलाना है तो अगर चला सकता हूँ मैं, अगर चलाना है तो ऐसे आपको वीडियो आ चुका है और फोल्डर में लॉक लग चुका है। अगर दोबारा से फोल्डर गायब करना हो तो सिर्फ आपको सिंपली डबल क्लिक करना है लॉक पे और यस करना है वाई, और ये दोबारा से गायब हो चुका है, लॉक हो चुका है। अगर कोई गलती से भी आपका ये जो लॉक का फाइल है इसको डबल क्लिक कर भी दे गलती से तो फोल्डर नहीं खुलेगा, क्योंकि पहले ये पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डालने के बाद ही ये फोल्डर खुलेगा, तो इसलिए पासवर्ड में फोल्डर लग चुका है अब। तो दोस्तों अगर आपको फोल्डर में पासवर्ड लगाना तो आप मेरा ये वीडियो देख के इजीली लगा सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आपके काम में आया हो, इससे आप कुछ सीखे हो, तो जरूर लाइक करें वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें, मैं आपके लिए और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।